Started. Good morning. I am Javin Prasad, SS Kumaro. Today, we will discuss practical exercise in fundamentals of agronomy, BSc part first semester, exercise name. Study of yield attributing characters in yield estimation. Yield attributing characters in पैदावार के जो पैदावार में एट्रीब्यूट करते हैं वो characters कौन कौन से हैं, ये अलग अलग होते हैं. सेल्स में जो crop size है, ear size है, कितनी है, उसमें कितने number of grain, उसकी कतारें कितनी है grain की, crop में या ear में, जैसे maize में बिकता है, बाजरे में सिकता है, तो उसमें कितनी कतारें हैं और पर रो के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं वो. और अगर आपकी ऑयलसीड क्रॉप है तो पोर्ट जो है या सिलिकुआ जो है उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं, साइज ऑफ सिलिकुआ या जो पोर्ट है उसकी साइज क्या है, नंबर ऑफ सिलिकुआ पर ब्रांच कितने हैं, नंबर ऑफ जो आपकी प्लांट्स है कितनी ब्रांचें हैं, जैसे अब पर मिनट के केस के अंदर नंबर ऑफ जो ईयर हेड है या सिक्के है कितने, दो है, तीन है, एक है. और इस तरह से आपकी जैसे ऑयलसीड क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, तो नंबर ऑफ पॉड फॉर्मेशन या नंबर ऑफ पॉड्स कितनी और उनमें कितने ग्रेन्स है, ये सारे यील्ड एट्रीब्यूटिंग या यील्ड में ऐड करने वाले करेक्टर्स होते हैं. इनमें इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं. कल्टीवेटिंग एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर आपकी सेल्स है, मिलेट्स है, ऑयल सीड है, आपकी पल्स है, शुगर क्रॉप्स है, इन सब के अलग अलग करेक्टर्स होंगे. शुगर क्रॉप में जैसे सैक्रम ऑफिसियम है, जैसे जो आपका गन्ना है उसकी जो नॉन इंटरनोड की साइज क्या है, सर सब चीज़ें इलेक्ट्रिक्स में, उसकी हाइट क्या है, कैसी है, ठीक है, और लॉजिंग रेजिस्टेंट है नहीं वैरायटी, ये सब यील्ड एट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स हैं. तो इसमें आप पर एक्टर यील्ड निकालते हैं. हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस के लिए हर क्रॉप के अंदर प्लांट पॉपुलेशन को देख पर एक्टर कितने आ जाते हैं, एक प्लांट की रेंडमली सैम्पलिंग करके पांच या एक प्लांट की लेके फिर रेंडमली सेलेक्ट करके, ताकि हेल्दी प्लांट जिसमें नंबर ज़्यादा हो वो भी लें और कम वाला भी लें, फिर एवरेज आपकी यील्ड निकाल सकते हैं. तो ये एक्सरसाइज है यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स एंड यील्ड एस्टिमेशन. यील्ड को कंट्रीब्यूट वो ही करेक्टर करेंगे, एक तो उसकी सब सेम नॉर्मल अच्छी सीड हो, प्लांट पूरा डेवलप हो, उसमें नंबर ऑफ सिलिकुआ ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ब्रांच भी अच्छी हो, और आजकल जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का जमाना है, टाइम का जमाना नहीं है. तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर अपने जैसे खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ में मैक्सिमम ऑनसेट ऑफ बरसात जो है जुलाई अगस्त और थोड़ा बहुत सितंबर में होती है, बाकी मानसून चला जाता है. तो जो क्रिटिकल स्टेज है मॉइस्चर की वो उस समय फुलफिल हो जाए और प्लांट का फुल्ली डेवलप हो, पूरी अच्छी ग्रोथ हो, तो ही उसके सारे पास जैसे आपकी फ्लावरिंग स्टेज है उस समय एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए, हवा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बरसात नहीं होनी चाहिए. अगर बरसात गिरेगी तो ग्रेन्स वासेज दी पोलन ग्रेन्स अल्टीमेटली ग्रेन सेटिंग इज पुअर. इनकेस ऑफ पर मिनट बाजरे के अंदर दाना बनने वाला है, उसमें ज़्यादा दाना बनने से फ्लावरिंग वो फ्लावरिंग स्टेज पे क्रॉप है और उसमें बरसात अच्छी होगी या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स पास हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स पास हो गए तो दाना भी कम बढ़ेगा, पैदावार जो यील्ड एट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स है वो भी क्लियर होंगे. इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पर प्लांट आप उसकी जो क्रॉप ईयर या पल्स या लेग्यूम क्रॉप है सिलिकुआ जितनी पोर्स है उसके अंदर नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने और कितनी पर प्लांट उसकी पोर्ड या लेग्यूम है और कितने उसमें सिक्के या क्रॉप है, तो उनसे आप ये सारे यील्ड एस्टिमेट कर सकते हो आप उनसे और कंट्रीब्यूट करने वाले करेक्टर्स हैं. इसमें आपको मटेरियल रिक्वायर्स
या तो आपको जब क्रॉप पूरी मैच्योर हो जाए उस समय आप उसका क्रॉप के सिटे को तोड़ के उसकी काउंट कर लीजिए और पॉलिथीन बैग्स के अंदर एक एक को डाल के फिर तो उसकी कितनी कतारें हैं क्रॉप में और एक कतार में कितने दाने हैं, ठीक है। तो उससे आप थोड़ा तो रफली आइडिया मिल जाएगा कि भैया एवरेज के आसपास पहुँचेंगे ये इतनी एस्टिमेट हो जाएगी। वैसे फार्मर्स किसान जो है फील्ड के ऊपर एक्सपीरियंस देख के बता सकता है कि इतनी पैदावार होगी ताकि क्रॉप की अच्छी ग्रोथ है, अच्छी ब्रांचिंग है, फुल्ली डेवलप क्रॉप है। प्लांट पॉपुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लांट पॉपुलेशन फैक्टर, अगर प्लांट डिजायर्ड प्लांट पॉपुलेशन है प्रॉपर रो टू रो स्पेसिंग और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है तो आपकी इल्ड ऑटोमेटिकली पर इल्ड एक्टिविटी करेक्टर्स भी होंगे और इल्ड एस्टिमेट भी अच्छी तरह से होगी। दिस इज एक्सरसाइज अबाउट इल्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स एंड इल्ड एस्टिमेशन। सिंगल प्लांट हाइट, इसमें आप क्या करोगे रेंडमली 50 40 या 10 5 जितने भी आप चाहें, अच्छा हेल्दी प्लांट भी और पुअर प्लांट भी, उससे आपको उसकी स्टडी कर लोगे आप उसकी कितने ग्रेन्स हैं कितनी यील्ड आएगी एवरेजिंग का। इस तरह से एक्सरसाइज है, जब आप क्लास में आओगे तो हम प्रैक्टिकल में आपको फील्ड में ये एक्सरसाइज करवाएंगे। दिस इज अबाउट इल्ड इल्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स एंड इल्ड एस्टिमेशन ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे आप किसी कोई भी फ्रूट्स हो जैसे बाजार में जाते हो फ्रूट्स को या सब्जी खरीदते हो तो उसमें कोई क्राइटेरिया उसका गुण देखते हो ना, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप एंड साइज कैसी है, वो फुली डेवलप है या नहीं है, तो ये क्रॉप के अंदर भी इल्ड कंट्रीब्यूट वही करेंगे जो ग्रेन पूरा डेवलप है फुली नॉर्मल। वो कई कहते ना कई सिटे दाना तो बन गया, अब इफेक्टिव टिलरिंग नॉन इफेक्टिव टिलरिंग भी यही होती है, आएगी या नहीं आएगी। इफेक्टिव वही होगा जो इल्ड में कंट्रीब्यूट करे, तो इफेक्टिव होगी और नॉन इफेक्टिव रेसिडुअल ग्रोथ तो है उसपे लेकिन ग्रेन सेटिंग नहीं है तो नॉन इफेक्टिव हुआ। तो ये दीज आर द इल्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स एंड इल्ड एस्टिमेशन। थैंक यू।